है नवादा है, संजीव बाबा के ये मकान है, ये गेट है, अंदर खेती होता है, इसी में कुआं में कहीं सांप घुस गया है, गिरा हुआ है, दिखलाते हैं कौन सा। चिमटा वाला नहीं वो है मेरा लो ना जीव निकाल जीव निकाल लो बुझे से ये में चक्का में उसके अंदर से बाहर चक्का के बीच बीच ले जाइए पहले ऐसे उसी तरफ से जाएगा पाइप के बगल से ले जाइए पाइप के बगल से सुनिए ना बता रहा हूँ उस तरफ से कीजिए इस पाइप है ना इधर इस साइड में और नीचा से ऊपर ठीक है ना फट जाए ना बन तो उड़ीला फोटो आ रहा डॉक्टर साहब हां कोई बात नहीं लो लो लेकर भाई खन्ना को आ गए दे मोर साफ हो डॉक्टर साहब गौमान है नागिन हो हां नागिन हो गौमान है गौमान है और ले रहे हैं आपने बात लिखिए बोलिए ले रहे हैं ना हाँ ये तो चलिए 15 फीट कुआं से बाहर ये एक्सप्रेस को निकाला गया है और ये स्पेक्टर कोबरा है जो ह्यूमन है बहुत ही जहरीला सांप होता है हमारे भारत देश का बहुत ही इसका न्यूरोटॉक्सिन होता है बहुत हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है पैरालाइज होता है इसे अगर धोखा हो तो डॉक्टर कहाँ जाइए ना दिखा तो देख सकते हैं टाइम बर्बाद नहीं करना है और इसी तरह सांप को बचाइए वन्य जीवन को बचाइए पर्यावरण को उससे बचेगा पर्यावरण अगर ठीक ठाक रहेगा तो हम भी ठीक रहेंगे आप लोग भी ठीक रहेंगे धोखा हो तो डॉक्टर कहाँ जाइए ना दिखा तो देख सकते हैं टाइम बर्बाद नहीं करना है रात को टॉर्च के सहारे चले मैं जाने का प्रयोग करिए रात को सोते समय इसका एक ही रास्ता है अगर बाइट होता है तो इनकेस में भेड़ा भी जरूरी पड़ता है लेना समय से समय गवाए नहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए चलिए इसको पैक करते हैं रखते हैं सुरक्षित जाना मोहाली सिन्हा ना
दिनेश भाई के पहले भगा चलिए सांप प्रेस हो गया है भीर का लिए भीर भाग के लिए सब लोग का धन्यवाद धन्यवाद लिए ये नवारा चौक में संजीव बाबा के गेट है अंदर में खेती होता है उसी में कुआं था लगभग 25-30 फीट नीचे था और एक स्पेशल कोबरा रेस्क्यू हुआ है और एक इसी का बच्चा है देख सकते हैं कितना जहरीला सांप है। लोग गए थे मशीन को स्टार्ट करने के लिए लेकिन अंदर जाने के बाद जब सांप का फुफकार से लोग घबरा गए किस तरह अंदर से बाहर हुए हैं तब हमें सूचना दे के इसको रेस्क्यू किया है तो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आजाद कर दिया जाएगा।